दोस्तों अभी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन व विस्फोटक खिलाड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एसआरएच और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच को दौरान मुंबई इंडियंस ने जीत कर पॉइंट टेबल में भूचाली मचा के रख दिया है और इसके बाद ये मुंबई की टीम प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण जग गई है। तो आखिरकार मुंबई की जीत से कौन सी टीम का फायदा हुआ है और कौन सी टीम का नुकसान हुआ है आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही इस पॉइंट टेबल में सभी टीमों का रैंक क्या बन गया है और मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए उसे कौन से समीकरण का यूज करना होगा और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए उसका क्या परसेंटेज है आपको कंप्लीट बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में अभी भी मुंबई इंडियंस के लिए बेस्ट कप्तान कौन है, नीचे कमेंट में राय बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का मुकाबला अभी उस मोड़ तक आ चुका है जहाँ किसी एक टीम के हार और जीत से बाकी बचे हुए सभी टीमों के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है। सभी टीमों ने अपना 10 से 11 मुकाबले खेल चुका है और बचे हुए 3 से 4 ही मुकाबले ये डिसाइड करेगा कि प्लेऑफ में कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पॉइंट टेबल के नीचे पैदल पर जितने भी टीमें हैं वो टॉप के सभी टीमों को हरा कर पॉइंट टेबल में बहुत बड़े उलटफेर कर रहा है। यहाँ तक कि समीकरण में भी काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकता है। किसी टीम को जो प्लेऑफ में ऑलरेडी क्वालिफाई करने का सपना देख रहा है उसे हरा कर उस सपने को तोड़ रहा है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ आज के मुकाबले में एसआरएच की टीम ने मुंबई को हरा कर वो प्लेऑफ के लिए एंट्री करने का सपना देख रहा था, लेकिन मुंबई ने एसआरएच टीम को हरा कर एक बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया पॉइंट टेबल में। इस मैच को दौरान एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के 48 रन और इसके बाद अभिषेक शर्मा के 11 रन और नीतीश रेड्डी के 20 रन और शहबाज अहमद के 10 रन और अंतिम में पैट कमिंस के 35 रन की मदद से एसआरएच की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन का स्कोर कर पाया था। देखने वाली बात यह है कि एसआरएच की टीम जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से 250 का स्कोर खड़ा करता था, लेकिन आज इस मैच में एक छोटी सी स्कोर पर ही निपट गया। मुंबई इंडियंस की टीम के लिए स्कोर कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं था, जिस तरह से उसके विकेटों का पतन होना शुरू हो गया था जहां ईशान किशन 7 गेंदों में केवल 9 रन बनाते हैं तो वहीं रोहित शर्मा 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन नमन धीर भी इस मैच में कोई कुछ नहीं कर पाता और केवल 9 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इस मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव एक ऐसी बल्लेबाजी करता है जो कि एक विनिंग मोमेंट तक ले जाता है। सूर्या ने इस मैच के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 6 छक्के और 12 चौके की मदद से 102 रन के सबसे नाबाद पारी खेले और अंतिम में तिलक अरोरा के 37 रन की मदद से मुंबई इंडियंस की टीम ने 17 ओवर में ही इस मैच को अपने नाम कर लेता है 7 विकेट से और ऐसी जीत के साथ पॉइंट टेबल में जितने भी टीमें हैं उसके प्लेऑफ के समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ के रख देता है। तो आखिरकार इस पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस पॉइंट टेबल के सबसे लास्ट और 10वें पायदान में गुजरात टाइटंस की टीम आ गई है जो कि कभी 9वें पायदान पर हुआ करता था। गुजरात टाइटंस की टीम ने 11 मुकाबले खेला है जिसमें से 4 ही मुकाबले जीता है और उसका पॉइंट 8 है और 7 मुकाबले हार चुका है और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट टेबल में सबसे खराब रन रेट उन्हीं का है जो कि माइनस में 1.320 का है और यहाँ से गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ में उसे एंट्री करने के लिए मात्र 5% का ही चांस है। इसके बाद 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम आ गई है जो कि कभी 10वें पायदान पर हुआ करता था। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेल चुके हैं जिसमें से 4 ही मुकाबले जीता और उसका पॉइंट 8 है और 8 मुकाबले गवा चुके हैं और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो माइनस में 0.212 का हो गया है। यदि यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो उसे बचे हुए 2 मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीतना होगा, लेकिन फिर भी उसे प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए दूसरी टीमों के हार और जीत के ऊपर पूरा निर्भर रहना पड़ेगा और मुंबई इंडियंस की टीम को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 6% का ही चांस है। इसके बाद 8वें पायदान पर पंजाब की टीम आ गई जो कि अब तक 11 मुकाबले खेला जिसमें से 4 ही मुकाबले जीता है और उसका पॉइंट 8 है और 7 मुकाबले गवा चुका है और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो माइनस में 0.187 का हो गया, जो कि देखने वाली बात यह है कि पंजाब की टीम भी यहां से यदि बचे हुए मैचेस को जीत लेता है तो उसका पॉइंट 14 हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए दूसरे टीमों के हार और जीत के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए केवल उसका 7 से 8% ही चांस है। इसके बाद यहां 7वें पायदान पर आरसीबी की टीम आती है जो कि शुरू से ही अभी 10वें पायदान पर हुआ करता था। आरसीबी की टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेला जिसमें से 4 ही मुकाबले जीता है और उसका पॉइंट 8 है और 7 मुकाबले गवा चुका है और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो माइनस में 0.049 का हो गया। यदि आरसीबी टीम को यहां से प्लेऑफ में एंट्री करना है तो उसे बचे हुए 3 मुकाबले जीतना होगा एक बड़े मार्जिन के साथ, जहां से उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, उसका रन रेट में काफी अच्छा सुधार हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे दूसरे टीमों के हार और जीत के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यहां से आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 7 से 8% का ही चांस है। इसके बाद यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम आ गई है जो कि अब तक 11 मुकाबले खेला है जिसमें से 5 मुकाबले जीत लिया है और करीब उसका 10 पॉइंट हो गया और 6 मुकाबले हार चुका है और उसका रन रेट माइनस में 0.442 का हो गया। यदि दिल्ली कैपिटल्स को टीम को प्लेऑफ एंट्री करना है तो बचे हुए सारे मैच को जीतना होगा और यहाँ से उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे जिससे उसे प्लेऑफ में एंट्री करने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन इसे भी दूसरी टीमों के हार और जीत के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा और इसका जीत से यह तय होगा कि प्लेऑफ में कैसे एंट्री कर सकता है। प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए मात्र उसका 10 से 12% का ही चांस है। इसके बाद यहाँ से 5वें नंबर पर एलएसजी की टीम आ गई जो कि अब तक 11 मुकाबले खेल चुका है जिसमें से 6 मुकाबले जीता है और उसका पॉइंट 12 है और 5 मुकाबले गवा चुका है और उसका रन रेट माइनस में 0.371 का हो गया। एलएसजी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो उसे बचे हुए 3 मुकाबले जीतना
चुका होगा, जिससे उसके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि उसे दूसरे टीमों के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास 18 पॉइंट्स हो जाने की वजह से वो प्लेऑफ में एंट्री कर सकता है और उसका प्लेऑफ में एंट्री करने का चांस लगभग 50% से अधिक है। इस पॉसिबल के चौथे पायदान पर एसआरएस की टीम आ गई, जो कि मूवमेंट से हारने के बाद उसे करारा झटका भी लगा है, जहां उन्होंने 11 मुकाबले खेला जिसमें से 6 मुकाबले जीता और उसका पॉइंट्स 12 और 5 मुकाबले गवा चुका है। उसका रन रेट -0.065 का हो गया। यदि एसआरएस की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना हो तो बचे हुए सारे मैचेस को जीतना होगा। हो सकता है प्लेऑफ कर सकता है, क्योंकि उसे दूसरे टीमों के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पॉइंट्स है और इसका इस प्लेऑफ में एंट्री करने का चांस 60% है। इसके बाद इसके तीसरे पायदान पर सीएसके की टीम आ गई, जो कि अब तक 11 मुकाबले खेला है जिसमें से 6 मुकाबले जीता है, उसका पॉइंट्स 12 है और 5 मुकाबले गवा चुका है और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो +0.7 का हो गया है, जो कि अच्छा खासा रन रेट दर्शाता है। यदि सीएसके टीम को यहां से क्वालिफाई करना होगा तो बचे हुए मुकाबले को जीतना होगा। हो सकता है वह प्लेऑफ में एंट्री कर सकता है और उसका प्लेऑफ में एंट्री करने का चांस लगभग 65-70% हो गया है। इसके बाद यहां दूसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ गई है, जो कि अब तक 10 मुकाबले खेला जिसमें से 8 मुकाबले जीता और उसका पॉइंट्स 16 हो गया और 2 ही मुकाबले गवा चुका है और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो +0.622 का हो गया है। यदि राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्लेऑफ में एंट्री करना है तो यहां से कम 2-3 मुकाबले जीतना होगा, वो डेफिनेटली एंट्री कर सकता है और उसे प्लेऑफ में एंट्री करने का चांस लगभग 70% का है। इसके बाद इस टेबल टॉप पर केकेआर की टीम आ गई, जो कि अब तक 11 मुकाबले खेला है जिसमें से 8 मुकाबले जीत लिया है और उसका पॉइंट 16 हो गया और अब तक 3 ही मुकाबले गवाए हैं और उसका रन रेट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट टेबल में सबसे बढ़िया रन रेट है, उसका रन रेट +1.453 का हो गया है और केकेआर टीम को प्लेऑफ में एंट्री करने के लिए लगभग उसका 85% चांस से एंट्री कर सकता है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम लेके जाएगी, नीचे कमेंट में जो बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।